चित्र में अंकित तथागत बुद्ध के बगल में जो चित्र है वह इस देश की पहली महिला शिक्षिका, खासकर जो यहाँ हमारी माताएं एवं बहनें बैठी हैं उनका ध्यान मैं माता सावित्री बाई फूले की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। क्योंकि इस देश में अगर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला या महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी ने व्यवस्था किया तो माता सावित्री बाई फूले हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी माताएं सरस्वती जो एक काल्पनिक हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, उनको जानती हैं, लेकिन जो वास्तविक सरस्वती हैं उनका नाम भी नहीं सुना है। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी, बाबा साहब अंबेडकर जी और सरदार पटेल जी, रामपुरन जी के पिता, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंचासीन सम्मानित मंच हमारे साथ बैठे हुए हैं, अभी जा रहे हैं कबीर मठ अयोध्या के महंत संत उमाशंकर दास जी, साथ में बैठे हुए हमारे विद्वान साथी जो नेट और पीएचडी कर रहे हैं डॉक्टर अनूप जायसवाल जी, आपके पार्श्व में बैठे हुए जो संचालन कर रहे थे हमारे विद्वान साथी जो आपके नगर में जनता इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं और स्वयं पीएचडी और नेट की उपाधि धारण करते हैं, ऐसे विद्वान साथी बैठे हुए हैं मंच के सामने। हमारे संघर्षशील साथी शेषनाथ गौतम जी, मीडिया के माध्यम से समाज की आवाज़ बुलंद करने वाले हमारे साथी राजेंद्र गौतम साहब, कन्नौजिया जी, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बैठे हुए दुर्गेश शर्मा जी और आपके बगल में बैठे हुए जुजार साथी राजू जी मंच पर हमारे साथ हैं। इस गांव के रामपुरन जी के परम सहयोगी रमेश जी, तमाम लोगों का नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन गांव के रामपुरन जी के जितने भी सहयोगी हैं, मैं आप सभी लोगों का साथ में मंच के सामने इस गांव के और दूर दराज से आए हुए सभी साथियों का, सभी बुजुर्गों का, सभी माताओं एवं बहनों का साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अभी तक बाधे रहे इकट्ठा किए रहे अपने कविता के माध्यम से, अपने गायन के माध्यम से, ऐसे तमाम साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन स्वागत करता हूँ। साथ में हमारे आपका प्रभाव इस देश में होता है तो आपके ही प्रेरणा से आपके इस देश में तक्षशिला नाम का विश्वविद्यालय पहला, मैं समझता हूँ कि यहाँ इतिहास के विद्वान हमारे डॉक्टर रूप जी बैठे हैं, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला आपके इस भारत में स्थापित होता है। उसके पहले शायद कहीं पूरी दुनिया में विश्वविद्यालय नहीं था। और उस विश्वविद्यालय की खासियत थी कि उस समय वहाँ विज्ञान जैसे तमाम विषयों का अध्ययन कराया जाता था और आम विद्यार्थी, गरीब वर्ग का व्यक्ति भी उसमें शिक्षा प्राप्त कर सकता था। वह केवल राज परिवार या किसी विशिष्ट जात या धर्म के लोगों के लिए शिक्षा नहीं थी, वहाँ सभी आम जनमानस के लिए शिक्षा उपलब्ध था। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा में जो विद्यार्थी बैठते हैं उनको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहला विश्वविद्यालय जिसमें सभी लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। उसके बाद अगर सभी लोगों के लिए शिक्षा की बात भारत में किसी ने किया और विशेषकर अनिवार्य, निःशुल्क और
समान गुणवत्ता परक शिक्षा की बात अगर किसी ने किया तो 1881 में हंटर कमीशन के सामने, जब इस देश में अंग्रेज थे, 1881 में समान अनिवार्य निःशुल्क और गुणवत्ता परक शिक्षा की बात अगर किसी ने किया तो जो माता सावित्री बाई फूले हैं, इनके पति का नाम था महामानव ज्योतिबा फूले, उन्होंने सबसे पहले अनिवार्य निःशुल्क और समान और गुणवत्ता परक शिक्षा की बात की थी। उसके बाद 19 अगस्त 2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आता है समान शिक्षा पर। उस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया, निर्णय दिया कि अगर देश को देशों की श्रृंखला में खड़ा करना है तो दुनिया के विकसित देशों की तरह भारत में भी समान और गुणवत्ता परक शिक्षा लागू होनी चाहिए। लेकिन दुर्योग से आज तक ऐसा नहीं हो पाया। अब इसके कारण के विषय में, क्योंकि समय अधिक चाहिए, आप लोग 10 बजे से हम लोगों की तमाम विद्वान साथियों की बातों को आप लोग सुन रहे हैं, और अगर आपके इस चितरगढ़िया जैसे गांव का एक नौजवान युवक जिसे हम लोग सचिन चौधरी के नाम से जानते हैं, आपने अनिवार्य, आपने निःशुल्क शिक्षा की बात की, समान शिक्षा की बात की और गुणवत्ता परक शिक्षा की बात की, चूंकि आपके इस पर्चे में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की बात की गई है, इससे आपने जो तक्षशिला विश्वविद्यालय ने जिस विचार को लेकर स्थापित किया गया था, जिस विचार को लेकर महामानव ज्योतिबा फूले ने हंटर कमीशन के सामने अपने प्रस्ताव को रखा, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसके पाठक बनाम आज ने डिसीजन दिया कि इस देश में समान और गुणवत्ता परक शिक्षा लागू होनी चाहिए। समान और गुणवत्ता परक शिक्षा की बात का मतलब यह है कि एक छत के नीचे आपके इस चितरगढ़िया में स्थापित प्राथमिक विद्यालय में, बस्ती शहर में स्थापित प्राथमिक विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में, इस जिले के जिलाधिकारी का बच्चा पढ़ेगा, इस जिले के सांसद का बच्चा पढ़ेगा, इस जिले के विधायक का बच्चा पढ़ेगा, इस जिले के जज का बच्चा पढ़ेगा, इस जिले के सभी ताकतवर और अमीर व्यक्तियों का बच्चा वही पढ़ेगा जहां इस चितरगढ़िया के सबसे गरीब, सबसे कमज़ोर का बच्चा पढ़ेगा। ये है समान शिक्षा, और उसके लिए समान सिलेबस होगा। गुणवत्ता परक शिक्षा का मतलब होता है वैज्ञानिक शिक्षा, जिसमें अंधविश्वास, जिसे हम धर्म के नाम पर ढो रहे हैं, अगर हम अंधविश्वास की बात करेंगे तो बहुत लंबी बात होगी। इसको जब सचिन जी लगातार यहाँ विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे, हमारे विद्वान साथी समय समय पर आकर मार्गदर्शन करेंगे क्या होती है समान अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा क्या होती है, इस मंच के माध्यम से मैं नहीं बता सकता हूँ, चूँकि समय का अभाव है। साथ में हम उनका भी स्वागत करते हैं जिस माता ने सचिन जैसे नौजवान को पैदा किया, उस माता का भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, और सचिन के पिता का भी, और उनके चाचा का, और उनके परिवार के सभी सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने ऐसे नौजवान को पैदा किया और उसे आगे बढ़ने के लिए आपने तन मन धन का समर्थन किया, इसलिए आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद है, और इस गांव के जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है, आप पूजनीय हैं, क्योंकि आपने इतने देर तक अपने इस गांव के एक नौजवान साथी का हौसला अफजाई किया, इसके लिए आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, यहाँ हमारे साथी जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि एक देश है दक्षिण अफ्रीका, वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने कहा था कि अगर आप दुनिया में
सबसे बड़ा आप दुनिया को परिवर्तित करना चाहते हैं तो शिक्षा ही सबसे बड़ा औजार है। अगर आप समाज में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। जितनी बेहतरीन शिक्षा होगी, जितनी गुणात्मक शिक्षा होगी, उतना ही बेहतरीन समाज बनेगा। जिस तरीके से ऊबड़ खाबड़ जो खेत समतल नहीं होता है उसमें अच्छा फसल नहीं पैदा किया जा सकता है, उसी प्रकार से ऊबड़ खाबड़ समाज में अच्छे नागरिक, अच्छा मनुष्य, अच्छा समाज नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए खेत की तरह जैसे समतल खेत में अच्छा उत्पादन होता है, ऐसे समाज भी समतल होना चाहिए। कोई जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, स्त्री पुरुष लिंग के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर समाज जब बनता है तो उस समाज का पतन होता है। आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, हम लोगों को इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। साथियों, अभी मैं थोड़ी सी अंधविश्वास की बात करूंगा, क्योंकि हमारी महिलाएं चली गईं, लेकिन महिलाओं के विषय में महिलाओं को अध्ययन करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाओं के विषय में पुरुष अध्ययन करे, क्योंकि पुरुष ही वर्तमान में भारत को, पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए उसे महिलाओं को अपनी तरह ही मानकर आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। क्योंकि जब एक बेटी पढ़ती है तो वह केवल बेटी नहीं पढ़ती है, उससे दो परिवार पढ़ता है। एक तो जहाँ की बेटी होती है और जहाँ विवाह के उपरांत हो जाती है उस परिवार में भी उसकी शिक्षा का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि अगर किसी देश के विकास के स्तर को मापना है तो वहाँ महिलाओं की स्थिति का पता लगाया जाता है। साथियों, जिस देश और समाज की महिलाएं आगे हैं दुनिया में, वही देश और समाज आगे है। अगर आज भारत पीछे है तो हमने साइकिल के एक पहिए को पीछे किया। साइकिल का एक पहिया कौन? स्त्री है, दूसरा पहिया पुरुष है। हमने एक पहिए को रोके रखा। अभी हमारे पूर्व के वक्ता थे जो बता रहे थे कि समाज में कमजोर वर्ग को, जिसे हम जात के आधार पर, जिनको हम कहे कि ये नीच हैं, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं प्रदान किया गया था, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं प्रदान किया गया था। लेकिन जो चित्र है माता सावित्रीबाई फुले ने, आपने महिलाओं के लिए महाराष्ट्र में सबसे पहला विद्यालय खोला। यह पुरुषों को जानना चाहिए कि किसने महिलाओं के लिए सबसे पहले विद्यालय खोला, साथ में हमारी महिलाओं को भी जानना चाहिए। रास्ते में मैं आ रहा था, मैंने जगह जगह देखा कि महिलाएं, आज कोई पर्व है जिसे ललही या जो छठी माई, वो इस तरीके से लोग पूजा करते हैं, महिलाएं जाती हैं। इस पर्व का, पर्व का आयोजन किस लिए किया जाता है डॉक्टर साहब? पुत्र के, बच्चों जीवन वृद्धि के लिए नहीं, बच्चों के लिए, मतलब उसमें बालक और बालिका दोनों आते हैं। पुरुषों के लिए मैं जानता हूँ केवल पुत्र के लिए होता है। कोई भी व्रत, कोई भी व्रत पुत्रियों के लिए है? आप बताइए, पुत्र पैदा होने पर तमाम कजरी लोग गाते हैं, ऐसा कुछ गीत गाते हैं, वो सोहर कहते हैं। पुत्र के पैदा होने पर सोहर गाते हैं। पुत्र की प्राप्ति के लिए महिलाएं कुश को बांधती हैं, ठीक, व्रत रखती हैं, लेकिन महिलाओं से ही पैदा होने वाला पुरुष, अगर वह महिला नहीं होती तो पुरुष पैदा कैसे होता? उस महिला के लिए, उस नारी के लिए, उस बेटी के लिए कोई व्रत नहीं है, उसके लिए कोई व्रत नहीं है। अब इसको, आप इस यथार्थ को समझना पड़ेगा। अगर हम इस परंपरा को
धर्म के नाम पर ढोते रहेंगे। तो मैं आपको एक रिपोर्ट, एक सूचना आई है, दुनिया के विद्वानों ने बताया है, दुनिया के एक सर्वे रिपोर्ट ने बताया है कि दुनिया में 50 लाख लड़कियों की कमी होने जा रही है कन्या भ्रूण हत्या की वजह से, कि जो गर्भ में, जबकि प्रतिबंध है, दुनिया के तमाम देशों पर प्रतिबंध है, लेकिन 50 लाख लड़कियां, महिलाएं कम होने जा रही हैं, ये सच्चाई है। अगर माँ नहीं रहेगी, आप बहन तो, आप बेटी, बहन, माँ, पत्नी, ये कहाँ से आप पाएंगे? जिसको आप गर्भ में ही मार दे रहे हैं, उसे अगर वो किसी तरीके से आती है, तो इस तरीके से तमाम बातें हैं जिस पर चिंतन करने का समय नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। तो मैं इसी के साथ एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और सभी महापुरुषों के श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और सभी साथियों का, जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम में सहयोग किया, और आयोजक को, आयोजन मंडल को, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। धन्यवाद जो आपने हमारी बात को सुना।